जनपद संभल के भेजोई कोतवाली क्षेत्र में पुरानी रंजिश को लेकर हुए विवाद के मामले में भेजोई पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी कानूनी कार्यवाही कर जेल भेजा। कुछ दिन पूर्व जनपद संभल के भेजोई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम शोभापुर शाकिन में पूर्व प्रधान नेत्रपाल मौजूदा प्रधान धर्मेंद्र के बीच चुनावी रंजिश को लेकर विवाद चल रहा था, जिसमें रात्रि में किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई थी। इसी बात पर दोनों के बीच गाली गलौज हुई और दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे एवं फायरिंग शुरू हो गई। उसी वक्त रास्ते से गुजर रहे राहगीर धर्मवीर को गोली लग गई और धर्मवीर गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानंद में पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया और मामले को संज्ञान में लेते हुए जाँच शुरू कर दी। जनपद संभल के भेजोई कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र प्रताप सिंह ने पुलिस बल के साथ मुखबिर की सूचना पर मारपीट के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 4 लोगों को अपने हिरासत में लेकर थाने आ गई। पुलिस ने अज्ञात समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी, जिसमें से 4 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और आगे की कार्यवाही की जा रही है। 2020 को SHO भेजोई को सूचना मिली साकिन शोभापुर जो पवासा चौकी के अंतर्गत गाँव है, वहाँ पे 2 पक्षों में फायरिंग हुई। इस सूचना पर SHO भेजोई अपने टीम के साथ वहाँ पे गए तो वहाँ पे एक पूर्व प्रधान मित्रपाल और वर्तमान प्रधानपति धर्मेंद्र और उनके एक 2 समर्थक थे, उनके बीच में पुराने रंजीश और प्रधानी के चुनाव को लेकर के विवाद हुआ था। इसी विवाद के चलते वहां पे आपस में उन्होंने फायरिंग किया था। उस फायरिंग के दौरान रास्ते से गुजर रहे एक धर्मवीर जो चंद्रगढ़ी मौजा का रहने वाला है, उस लड़के को गोली लग गई थी। हालांकि वो तुरंत तत्काल SHO में उसे हॉस्पिटल पहुँचाया और इनको सभी को 4ों को पकड़ के थाने पर लाया है और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। किस धारा मुकदमा दर्ज किया गया? ये एक दूसरे के लिए जान मारने के लिए आमादा थे, इन पर 307 मुकदमा कर इनका कार्रवाई की जा रही है।